मैं शर्मिंदा हूं तुम्हारे आगे मंता, इसीलिए बार बार माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास आ जाता हूं। मैं मानता हूं गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, और जब कदर की तो अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से मैंने खो दिया तुम्हें। लेकिन मेरे यकीन करो गुंडा, तुम्हारे जाने के बाद मैं जिस अजियत से गुजरा हूं तुम नहीं समझ सकती। अपनी अजियत का बड़ा एहसास है, और उसका क्या, मैं कितनी अजियत में थी यार। की मर्जी कसम ले लो, चाहे जो मर्जी वादा ले लो, मैं वादा करता हूं अब से कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। ऐसी बेयकीनी से तो मत देखो यार। देखो अल्लाह भी हम पे कितना मेहरबान है, मेरी गलतियों की, मेरी नादानियों के बावजूद उसने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, शायद वो भी मुझे शुक्र करने का एक और मौका देना चाहता है। पहले तुम्हारी सूरत में इतनी अच्छी समझदार सुलझी हुई बीबी मुझे थी, जिसने मुझ जैसे बेवकूफ इंसान को पूरी तरह बदल दिया, तब्दील कर दिया, और अब औलाद की नेमत। मैं कौन होती सुधारने वाली आयान? अल्लाह ताला को अपने बंदों को सुधारना आता है, कभी नवाजिशों से, कभी आजमाइशों से। तो क्या तुमने मुझे माफ किया? कौन होती है याना आपको माफ करने वाली? से नहीं माफी मांगे, मैं तो खुद दिन भर में पता नहीं कितनी गलतियां करती थी। गलतियां तो तुमसे हुई हैं, और सबसे बड़ी गलती ये कि तुम मुझे छोड़कर आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं पल पल तड़पा। तो मैं कौन सा खुश थी आपके बगैर? मैं जानता हूं जब मैं इतना तड़प रहा था तो तुम कैसे खुश रह सकती थी? नहीं थी ना? जब खुश नहीं थी तो फिर सता क्यों रही थी मुझे? घर क्यों नहीं आ रही थी? तंग कर रही थी मुझे जानबूझ के, मुझे परेशान करने के लिए ना? अब तुम देखो, गिन गिन कर बदले लूंगा मैं वो 50 शर्ट्स आज भी। तुम्हारी स्त्री का इंतजार कर, मुझे माफ कर दो मुमता, प्लीज कर चलो।
कोई नहीं हो सकता आपके जैसा है।